हाँ डेड बॉडी का एग्जाम्पल मत देना क्योंकि ये टाइम बाउंड है, कुछ ही देर के लिए आइसोलेटेड सिस्टम है वो, बाद में वो कुछ देर के बाद उसका मास जो है घटने लगेगा। ओके तो एग्जाम्पल ये दे देना इस बार आइसोलेटेड सिस्टम का तो कोई भी एग्जांपल देना हो। थर्ड मास, इनवर्स इज द एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल। थर्मस। थर्मस, हाँ देखो थर्मस कह रही है साक्षी, आइसोलेटेड एग्जाम्पल है। थर्मस में देखिए मास फ्लो हो रहा है सराउंडिंग के साथ, नहीं हो रहा है। वर्क फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है। हीट फ्लो नहीं हो रहा, वेरी नाइस। थर्मस इज एन एग्जाम्पल, जब तक नहीं होगा इसलिए गर्म है वो। लेकिन थर्मस को हम क्लोज सिस्टम भी तो कह सकते हैं, नहीं क्लोज सिस्टम नहीं कह सकते। क्लोज सिस्टम में तो हीट का एक्सचेंज हो रहा है, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। थर्मस अच्छा एग्जांपल, देखो नेट पर एक सेकंड, तुम लोग देखते हैं। थर्मस में तो वर्क नहीं हो रहा सर। हाँ वर्क तो नहीं हो रहा है, तो वर्क भी तो नहीं एक्सचेंज हो रहा है ना। Close system DLCIOATD ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं सर। नो सर। थर्मो सर, हाँ बोलिए। थर्मो फ्लास्क एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। थर्मो फ्लास्क एग्जाम्पल दिया है, हाँ तो थर्मो के बुक में फ्लास्क, 12th में। हाँ तो बढ़िया हो गया। देखो आइसोलेटेड एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल आइसोलेटेड सिस्टम, द कंटेंट्स ऑफ ए प्रेशर कुकर ऑन ए स्टोव विथ इट्स लिड टाइटली क्लोज्ड एंड द व्हिसल इन पोजिशन इज ए क्लोज सिस्टम एज नो मास कैन इंटर और लीव द प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर जब तक भाप नहीं छोड़ रहा है तब तक वो क्लोज्ड है, तब तक वो आइसोलेटेड सिस्टम, सॉरी आइसोलेटेड सिस्टम है। बट हीट कैन बी ट्रांसफर टू इट When the whistle of the pressure cooker blows, then it becomes an open system as steam leaves the cooker. ठीक है, तो थर्मो फ्लास्क बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो आप लिख लीजिएगा एग्जाम में। इनवर्स इज द एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes. न न न
different forms. Kinetic energy of molecule, potential energy of the molecule or heat energy that simply raises the temperature of the system. कहने का मतलब है कि जब आप किसी सिस्टम को आप एनर्जी देते हैं, पहले तो बात समझ लीजिए कि एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परावर्तित ही होती है, या ना उत्पन्न की जाती है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो जब आप किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो उस सिस्टम का एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी, पहले से जो विद्यमान एनर्जी है उस सिस्टम के अंदर, वह भी बढ़ जाती है या घट जाती है। अगर उस बढ़ जाएगी, जैसे अगर आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका तो आपने अपनी एनर्जी दी बॉल को, तो उसके अंदर जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी वो चेंज हो गई। किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हम हमेशा बात करते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज की। ऊपर से उसमें एनर्जी देने पर या तो हम गर्म किए या उसको हम मैकेनिकल एनर्जी दिए, उसको हम लुढ़का दिए जिससे काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हुआ, या हम उसको ब्रेक डाउन किए किसी कॉलिजन के द्वारा तो भी उसके अंदर इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन आया। तो उसके अंदर जो पहले से विद्यमान इंटरनल एनर्जी है और हमारे द्वारा दी गई ऊपर से इंटरनल एनर्जी, जो हमने जो एनर्जी उसको प्रदान किया, इसकी वजह से उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाता है। तो हम हमेशा उस, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो पहले से मौजूद है उसको हम नाप नहीं सकते कि कितना इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि कोई भी जीरो से शुरू नहीं होता है। हम ये नाप सकते हैं कि हमारे द्वारा दिया हुआ एनर्जी से उसके इंटरनल एनर्जी में कितना परिवर्तन आया है, ये हम मानते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सो इट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच कम्स फ्रॉम द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी विच कम्स फ्रॉम द केमिकल बॉन्ड्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स एंड एनी अदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट मे बी प्रेजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। करेक्ट है, ये इंटरनल एनर्जी की परिभाषा है। एग्जाम में अगर आता है, पूछता है, तो आप इंटरनल एनर्जी की परिभाषा यही लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच कम्स फ्रॉम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी विच कम्स फ्रॉम द केमिकल बॉन्ड्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स एंड एनी अदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट मे बी प्रेजेंट। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो है उसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग है जो कि उस समय उसके अंदर विद्यमान है। जैसे कोई लुढ़कता हुआ गेंद है, उसकी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जितना उसमें है प्लस उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जितना है, उन दोनों का योग होगा। कोई अगर स्थिर सब वस्तु है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी है तो उस समय उसका इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट है, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दस कन्वेंशनली स्टेटेड एज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द एनर्जी एडेड टू इट इन द फॉर्म ऑफ हीट प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। तो थर्मस, इसको हम अगर फॉर्मूला में डिराइव करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहेगा कि हम जो बाहर से, जैसे देखिए आप किसी चाय को, केतली को आप अगर गैस के ऊपर रखते हैं और उसको चाय बनाते हैं तो आप देखेंगे कि हम जो उसको हीट एनर्जी दिए इसकी वजह से चाय जो है उबलती भी है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद उसके मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो भी है उसके अंदर, उसमें मोशन होता है, बॉयल होता है, तो उसके द्वारा वो वर्क दिया गया। या प्रेशर कुकर आप सीटी मारती है, गैस बाहर निकलता है, तो वो क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी होगी, में कन्वर्ट हुआ हमारा हीट एनर्जी। ठीक है, क्या काइनेटिक एनर्जी कहिए। तो हम जो ऊपर से एनर्जी देते हैं किसी भी सिस्टम में तो वह दो फॉर्म में उसके अंदर परिवर्तन लाता है, एक तो उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है, दूसरी उसके अंदर कुछ एक वर्क उत्पन्न होता है कि उसकी वजह से वह वर्क करने लगा, थोड़ा सा वर्क हुआ। तो टोटल इंटरनल एनर्जी जो चेंज है, हम जितना एनर्जी उस वस्तु के अंदर डाले, दैट कैन बी मेजर एज क्यू प्लस डब्ल्यू। Q जो है वो हीट है, हम जितना एनर्जी दिए उसकी वजह से उसमें अंदर जो हीट उत्पन्न हुआ प्लस उसके अंदर जो वर्क उत्पन्न हुआ। ये समझ रहे हैं आप लोग, इतना क्लियर है आपको या कोई प्रॉब्लम है? यानी टोटल कहने का मतलब है कि टोटल एनर्जी यानी एनर्जी चेंज डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। टोटल एनर्जी को तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, बट हम
इनर्जी चेंज को हम मेजर कर सकते हैं। आपने उस किसी ऑब्जेक्ट में या किसी रिएक्शन में किसी सिस्टम में आपने ऊपर से इनर्जी सप्लाई किया तो क्या होगा, कुछ इनर्जी हीट के रूप में उत्पन्न होगा उसमें और कुछ इनर्जी वर्क करेगा उस सिस्टम में, वर्क उत्पन्न करेगा। तो फॉर्मूला में क्या हो गया, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इज हीट और डब्ल्यू इज वर्क डन बाय द सिस्टम, नॉट ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, क्योंकि आपने ई जो है वो बाहर से दिया है, दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, इनर्जी गिवन टू द सिस्टम, दैट इज डेल्टा ई। देन डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इज हीट जनरेटेड इन द सिस्टम एंड डब्ल्यू इज वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, बस यही चीज है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। समझ में आया, आगे बढ़े? जी सर। ठीक है, जैसे किसी गेंद को अगर हम ऊपर उछालते हैं जमीन के नीचे गिरती है, हम जो उसके अंदर एनर्जी दिए इसकी वजह से उसके अंदर क्या हुआ, डब्ल्यू वर्क उत्पन्न हुआ जिससे गेंद ऊपर गई और नीचे आई, लेकिन जब जमीन पर टकराई हुआ गेंद तो क्या हुआ, टकराने की वजह से उसमें थोड़ी सी ऊष्मा उत्पन्न हुई, जैसे गाड़ी का ब्रेक है, ब्रेक लगाते हैं तो चक्का गर्म हो जाता है, टायर गर्म हो जाता है, तो एक तो ऊष्मा प्लस वर्क, तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आशा है आप इस बात को समझ गए होंगे अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशनल डिफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द सिस्टम गेनिंग हीट एंड द सराउंडिंग डूइंग वर्क, सो द अपोजिट सिनेरियो कैन अकर टू इन व्हिच केस द साइंस इन द इक्वेशन विल बी will have to change appropriately. This will be discussed shortly. ठीक है, ये सब important नहीं, आगे बढ़ते हैं। Now, हाँ, closed system और open system आप समझ लीजिए। Closed system हुआ है जैसे आपने एक saucepan को लिया, पानी अंदर डाला, ऊपर से ढक्कन लगा दिया और तो वो closed system हो गया। अगर water और ढक्कन नहीं लगाया तो वो open system है। तो ओपन सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, इट कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टम दैट फ्रीली एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग्स, व्हाइल ए क्लोज सिस्टम इज ए सिस्टम दैट एक्सचेंजेस ओनली एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग नॉट मैटर। समझ में आया, अगर क्लोज सिस्टम भी है तो वो हीट तो डेसिपेट कर सकता है लेकिन उसके अंदर का मैटर जो है वो डेसिपेट नहीं होगा। अगर ढक्कन हम लगा दिए और हम गर्म किए तो भाप ऊपर से नहीं निकल पाई वो सॉसपैन में जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, बहुत ज्यादा हीट किए तब वो ढक्कन को ठेल के ऊपर थोड़ा सा साइड से लीक कर जाएगा। ठीक है, और अगर हम पूरी तरह से उसको क्लोज किए रहे और हीट देते रहे तो वहां पर दुर्घटना भी घट सकती है, इतना ज्यादा उसके अंदर पावर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि क्लोज सिस्टम जो है उसमें सिर्फ एनर्जी का आदान प्रदान हो सकता है और ओपन सिस्टम में एनर्जी का आदान प्रदान तो सराउंडिंग से होगा ही, साथ ही साथ मैटर का भी सराउंडिंग होगा। ढक्कन नहीं है तो भाप निकल रहा है हम गर्म करने के बाद, तो हमारा वाटर इन द लिक्विड फॉर्म जो मैटर है वो सराउंडिंग में जा रहा है। तो यहां पर एक बात आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया फॉर्मूला डेल्टा ई इंटरनल मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा जब हम लिखते हैं तो उसका मतलब होता है परिवर्तन जो आया उसके इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू उसके अंदर। हेलो, आवाज क्लियर है आप लोगों को, कुछ प्रॉब्लम है कहीं नेटवर्क में? आ रहा है, क्लियर है? समझ रहे हो आप या कहीं पर रोकना है हम आपको? आप बीच में बोल सकते हो, सर ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया क्लियर, आप बोलते नहीं हो तो हमको लग रहा है कि आप लोग कैच कर रहे हो। चले आगे, आवाज क्लियर है? yes, हीट और पहले मैंने बताया डेल्टा ई
इंटरनल मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा जब हम लिखते हैं तो उसका मतलब होता है परिवर्तन जो आया उसके इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू उसके अंदर हीट हीट और डब्ल्यू यानी वर्क। यहां पर एक बात आप याद रखिएगा कि अगर आपके सिस्टम के अंदर हीट जाता है, ठीक है, अगर आप उस सिस्टम को हीट दिए हैं तो हम Q को पॉजिटिव रखते हैं और वही हीट जब सिस्टम से बाहर निकलता है तो Q निगेटिव हो जाता है। और वर्क उसी तरह वर्क, अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जैसे हम प्रेशर कुकर को रखे, सीटी बाहर हुआ निकला तो वो वर्क हुआ, वर्क इज डन बाय द सिस्टम यानी उस सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया सीटी का ऊपर जाना और भाप का बाहर निकलना, तो उस केस में W will be negative, work done will be negative. If work done, work is done on the system, then W will be positive. Hello, ये symbolic है। हम लोग इसको इस तरह से represent करते हैं, किसी एक को तो plus में रखना पड़ेगा, किसी एक को minus में। तो जब system के ऊपर work होता है, ऐसे आप समझो, system के को हम जब energy दिए तब उसको हम प्लस में रखते हैं। तो एनर्जी दिए तो हम, एनर्जी का मतलब हुआ हम उसके ऊपर वर्क भी किए और हीट भी दिए, दोनों हो सकता है। तो सिस्टम के ऊपर जब आप वर्क किए तो वो भी पॉजिटिव वर्क रहेगा कहलाएगा उस समय, और जब हीट दिए हैं सिस्टम को तो वो हीट भी पॉजिटिव रखा जाता है। और जब सिस्टम आपका वर्क करता है, सिस्टम वर्क करके दिया, देन दैट टाइम इट इज सोन एज माइनस, एंड जब एनर्जी हीट रिलीज हुआ सिस्टम से तो उस समय भी उसको माइनस रखा जाता है। सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ और हीट गया सिस्टम में, दैट टाइम इट इज प्लस, एंड सिस्टम से हीट बाहर निकला और वर्क भी सिस्टम के द्वारा हुआ तो ये माइनस। जैसे फ्रिज है, फ्रिज में कंप्रेसर है, कंप्रेसर कंप्रेस कर रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इन दैट केस तब W विल बी पॉजिटिव। तो जो आप समझिए हीट और वर्क अगर सिस्टम से बाहर जा रहा है, सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, तो उस समय उसका साइन जो है निगेटिव होगा, और हीट और वर्क सिस्टम के अंदर जा रहा है यानी सराउंडिंग से सिस्टम की ओर जा रहा है, तो इन दैट केस द साइन विल बी पॉजिटिव। अब एक ठीक है, ये अब न्यूमेरिकल वगैरह दिखा रहा है, इसमें न्यूमेरिकल की आवश्यकता नहीं है, आप बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट लॉ समझ गए, जीरोथ लॉ समझ गए, अब हमारा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो अभी तक कितना, दो लॉ पढ़ लिए, जीरो वन, इसके बाद सेकेंड लॉ है, उसके बाद थर्ड लॉ है। सो दिस लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है, नो सर। ओके, तो अभी तक आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया है, समझ गए? यस सर। चलिए, नहीं समझ में आया हो तो फिर से रिपीट देखना, और लास्ट में मैं नोट दे ही दूंगा, ठीक है? तो जब नोट और साथ में सामने रहेगा और साथ में ये भी सुनते जाओगे, नोट भी देखते जाओगे, और अच्छा से कैच कर जाओगे, क्योंकि पहले भी आप समझ जाओ, सिंपल टर्म में समझा रहे हैं, क्योंकि आप बोर्ड नहीं था तो मैथमेटिक्स की, इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस टी, और क्यू हाँ, क्यू अगर सिस्टम के क्यू प्लस डब्ल्यू, हाँ थैंक्स फॉर कैट, क्यू जो है आपका, क्यू तो टी ही है ना, क्यू प्लस टी हम बेकार बोले, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू पॉजिटिव तब रहेगा जब सिस्टम के आप वर्क किए सिस्टम के ऊपर, तो क्यू पॉजिटिव रखेंगे उस समय, और सिस्टम जब वर्क करता है तब क्यू निगेटिव होता है। तो
इस तरह से फॉर्मूला में आप पुट करके देख सकते हो कि कौन सा एनर्जी देने पर, इंटरनल एनर्जी देने पर चेंज क्या होता है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी कुछ था, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं है आपके एमएससी में न्यूमेरिकल्स। कंसेप्ट समझ लीजिए, एंट्रोपी जब पढ़ाएंगे ना तब हम न्यूमेरिकल कुछ देखेंगे, वहां पर न्यूमेरिकल थोड़ा जरूरी है। देखिए कितना, दो लॉ पढ़ लिए, जीरो वन, इसके बाद सेकेंड लॉ है, उसके बाद थर्ड लॉ। So this law, second law of thermodynamics, states that the total change in entropy of a system plus its surroundings will always increase by a spontaneous process. ये इसका स्टेटमेंट है, एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे। अब इसको आप समझिए, एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है? रैंडमनेस, ऑर्डरलेसनेस, ठीक है। जैसे अगर आप एक कमरे में बच्चे को, कमरा काफी सुसज्जित है, मान लिया हर खिलौने या ढंग से रखे हुए हैं, एक खिलौना यहाँ, एक खिलौना यहाँ, एक खिलौना यहाँ अपनी अपनी जगहों पर, और बच्चे को आप कमरे में छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के बाद आप आएंगे देखेंगे पूरा कमरा तितर बितर कर दिया उस बच्चे ने, तो क्या हुआ? यहाँ पर हम कहेंगे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम हैज बीन इंक्रीज्ड। तो ये बेसिक यूनिवर्सल लॉ है, बिना इसके कुछ नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिवर्स में, एंट्रोपी। एंट्रोपी से आप क्या समझते हैं? रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज इंक्रीज, ये बेसिक लॉ है यूनिवर्स का। हर जो सिस्टम है उसमें रैंडमनेस होगा ही होगा टाइम के साथ। टाइम और रैंडमनेस का संबंध है, अगर टाइम रुक जाएगा तो रैंडमनेस होना भी, डिसऑर्डरनेस होना भी रुक जाएगा। ओके, टाइम बढ़ रहा है तो रैंडमनेस भी हो रहा है, ठीक है। इस कंसेप्ट को आप लोग समझिए, इसको कहते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जो है वो हमेशा, तो चेंज इन एंट्रोपी, उसको एस से डिनोट करते हैं एंट्रोपी को, तो डेल्टा एस इज ऑलवेज मोर देन जीरो। अगर डेल्टा एस जीरो से कम हो गया तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वो नहीं हो सकता है खुद ब खुद, जब तक आप वर्क और एनर्जी नहीं दोगे, ठीक है। डेल्टा एस अगर निगेटिव है तो वो रिएक्शन, वो प्रक्रिया जो है स्वतः हो जाएगी, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बर्फ अगर रख दो आप तो खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? रैंडमनेस बढ़ रहा है, डेल्टा एस बहुत ही ज्यादा मात्रा में निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो यहां पर वो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा, उसके लिए अलग से कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसको एक उदाहरण से भी हम लोग बाद में समझेंगे। तो एंट्रोपी मीन्स द डिग्री ऑफ रैंडमनेस दैट विल ऑलवेज इंक्रीज, और किसी भी प्रक्रिया के शुरुआत और अंत में आप चेंज निकालोगे कि कितना रैंडमनेस में चेंज हुआ, डेल्टा एस वो जीरो से ज्यादा होगा तब वो प्रक्रिया स्वतः हो जाएगी। अगर जीरो से कम हुआ तो उसके लिए आपको ऊपर से वर्क करना पड़ेगा। जैसे कोई भी सामान आप सरियाते हो, कुछ घर में मम्मी बोले ए इधर उधर छीटा हुआ है सब ठीक करो, तो आप सबको क्या किए, सबको उठा उठा के अलमारी पर रखे सामान को सरियाए, तो आपको क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा उसको ऑर्डर में लाने के लिए। लेकिन छीटने में आराम से स्वतः हो गया, आपने कुछ काम किया, कुछ दूसरा काम के लिए उठाए थे कोई सामान और उसको वापस ना रख के वहीं छोड़ दिए, तो धीरे 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 क्या हुआ, ऑर्डरनेस खुद बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसको रिवर्स करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। तो यही कहता है कि यूनिवर्स में जो है, सेकेंड लॉ जो कह रहा है, यूनिवर्स में रैंडमनेस जो है ऑलवेज इंक्रीज होगा। बिग बैंग जब हुआ तो एक पॉइंट से हुआ, पूरा यूनिवर्स का मास जो है वो एक केंद्र में निहित था। सिर्फ यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स, प्लैनेट, सन, इतने सारे करोड़ों अरबों खगोलीय पिंड है, सबका मास एक पॉइंट में, एक सेंटर पर था।
और उस सेंटर में एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट होने के बाद उसके पार्टिकल्स जो है बिखरने शुरू हुए, और जिस समय विस्फोट हुआ वही टाइम जो है यूनिवर्स का जन्म कहलाता है, और जब विस्फोट हुआ इसी को बिग बैंग कहते हैं, और जब विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट से ही के बाद ही समय का भी शुरुआत हुआ, टाइम स्टार्ट हुआ, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ना शुरू हुआ, टोटल जो था सारे स्ट्रक्चर्स जो थे इस यूनिवर्स के सभी कॉम्पैक्ट थे, ऑर्डर्ड थे, एक पॉइंट पर थे। आफ्टर एक्सप्लोजन दे स्टार्टेड मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, रैंडमनेस स्टार्टेड हैपनिंग, तो टाइम भी स्टार्ट हो गया बढ़ना। तो जैसे जैसे टाइम फिर आगे चला रैंडमनेस भी बढ़ता जा रहा है, तो अभी तक अभी भी रैंडमनेस बढ़ रहा है, वो एक्सपेंड उसमें जो एक्सप्लोजन हुआ पार्टिकल्स बिखरने शुरू हुए, तो अभी भी एक्सप्लोजन के द्वारा जो उस समय हुआ था अभी भी सब जो खगोलीय पिंड हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बिखर रहे हैं दिन प्रतिदिन। इसीलिए कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड जो है फैलता जा रहा है, ये एक पैराडॉक्स है। तो ब्रह्मांड जब कोई सवाल करेगा सर ब्रह्मांड जब फैल रहा है तो इसके अंदर आ क्या रहा है, और जो चीज आ रहा है वो है कहाँ, बहुत तरह का इसमें वाद विवाद हो सकता है, लेकिन फिर भी ट्रू है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। तो ब्रह्मांड जब फैल रहा है तो फैल कहाँ रहा है, इसका मतलब बाहर कोई जगह है, स्पेस है ब्रह्मांड के बाहर भी। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप लोग सिलेबस में आप समझिए कि बेसिकली क्या आपको जानना है, एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस। समझ में आया आपको एंट्रोपी क्या है? रैंडमनेस। अब देखिए कि एंट्रोपी आगे हम लोग इसको फॉर्मूला से भी पढ़ेंगे समझेंगे। यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज, विल ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। जो पहाड़ बन रहे हैं वो घिसेंगे, जो गड्ढे बन रहे हैं वो भरेंगे, ठीक है। ये इसी से टाइम की भी उत्पत्ति हुई है। बिग बैंग हुआ, एक पॉइंट से एक्सप्लोजन हुआ और वो फैलता चला गया, और अभी भी फैल रहा है। इसलिए यूनिवर्स का कोई माप नहीं है, वो फैलता जा रहा है, इनफाइनाइट में जा रहा है। तो अगर एंट्रोपी मान लिया जाए, अगर रुक जाए इस यूनिवर्स में, तो बिग बैंग भी रुक जाएगा, समय भी रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, जीवन भी रुक जाएगा, हर चीज। ब्रह्मांड का ये मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसी से सब फिजिक्स का लॉ निकल रहा है, समझ लीजिए आप। द टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम प्लस इट्स सराउंडिंग्स विल ऑलवेज इंक्रीज, हमेशा इंक्रीज होगा और स्पॉन्टेनियसली होगा, आपको करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप होगा। सो इसको आगे हम समझते हैं। एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ disorder of randomness of a system. Every system wants to achieve a state of maximum disorder or randomness. ठीक है? एक commonly observed daily example अभी वो बच्चे वाला मैंने बता ही दिया। Another commonly encountered कोई भी system जो है हमेशा जो है tend करेगा अपने maximum disorderly state में आने के लिए। कोई भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, कोई भी वस्तु कोशिश करती है कि हम पूरी तरह से छिन्न भिन्न नष्ट हो जाएं, टूट टूट के बिखर जाएं। यह उसके फोर्सेज जो है पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेज हैं वह उसको रोक के रखा हुआ है कि वह कॉम्पैक्ट है। जैसे इस पिक्चर में अभी आप ये कूलर देख रहे हैं, ये कूलर एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज मेड अप ऑफ सेवरल थिंग्स, प्लास्टिक है, लोहा है, सब चीज नट बोल्ट पर कसा हुआ है पूरी तरीके से। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये सब कमजोर होगा, दरकेगा, टूटेगा, फूटेगा, नष्ट भ्रष्ट होगा, फिर एक दिन टूट टूट के बिखर जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अभी ये इस स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद है, इसलिए मौजूद है क्योंकि ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, इसके बीच में जो फोर्सेज हैं, इसके इंटरनल एनर्जी जो है इसको रोके हुए है। लेकिन वो कब तक रोकेगा? धीरे धीरे इस पर हावी हो जाएगा डिसऑर्डरनेस, क्योंकि इसका अपना खुद का टेंडेंसी है पार्टिकल्स का, जितने भी पार्टिकल्स इसके अंदर हैं, ये बाय लॉ यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं इसके अंदर इनकल्केटेड, कूट कूट के भर दिया गया है कि हर पार्टिकल जो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे।
उनमें मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस आएगा। मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस क्या है, ये भी एक आइडियल सिचुएशन जो कभी अचीव नहीं हो सकता है। मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस, मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस मतलब उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स जो है मैक्सिमम दूर हो जाए एक दूसरे से। तो मैक्सिमम दूर कितना होता है, ब्रह्मांड का एक छोर से दूसरा छोर भी हो सकता है मैक्सिमम दूर। तो मैक्सिमम डिसऑर्डरली स्टेट कोई मेजरेबल नहीं, लेकिन वो इसीलिए स्वतः चल रहा है, करते धीरे धीरे ये टूटते फूटते और पार्टिकल बनते बनते एटम मॉलिक्यूल, फिर बाद में गैस, फिर कोई जला देगा तो गैस वैस, फिर ब्रह्मांड में अलग अलग, इसका एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंडिया में, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पाकिस्तान में, कोई अमेरिका में, सब पहुंच जाएगा पूरा वायुमंडल में, फिर मिल जाएगा, मैक्सिमम डिसऑर्डरली स्टेट तक आ जाएगा, ये अपने आप होगा। इस चीज को रोकने के लिए, रैंडमनेस को बढ़ने से रोकने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है। जैसे अगर कोई आदमी जिंदा नहीं, मर गया अगर, तो उसका बॉडी क्या होगा, धीरे धीरे डिकम्पोज, खुद ब खुद सड़ना शुरू हो जाएगा और 2-4-5-10 दिन में वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या बहुत ही कम अवशेष बच जाएंगे। लेकिन जब तक जिंदा है वो अपने पूरे बॉडी को मेंटेन करके रखता है 100 साल तक। क्या कर रहा है, रोक के रखे हुए है डिसऑर्डरनेस को, अपने शरीर को टूटने फूटने सड़ने और इस सबसे रोक के रखे हुए है। तो ये रोक के क्यों रखे हुए, किस प्रक्रिया के द्वारा, लाइफ प्रोसेसेस के द्वारा। आपके अंदर आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, उससे सिंपलर कंपाउंड्स आ रहे हैं, सिंपलर कंपाउंड्स फिर और सिंपलर कंपाउंड्स में टूट रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, वहां से 6 कार्बन से 3 कार्बन तक पहुंचे, 2 ATP हार्वेस्ट कर लिए वहां पर, फिर 3 कार्बन से फिर 1 कार्बन तक पहुंचे क्रेब्स साइकिल और फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और उसके बाद NADH NADPH के द्वारा जितना प्रोटोन कंसंट्रेशन हुआ था इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, उसके द्वारा आप ATP फॉर्मेशन हो गया। तो मैक्सिमम जो है एनर्जी हम ड्राइव, तो ये सारा प्रोसेस जो है किसके अंतर्गत हो रहा है, लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत, और यही लाइफ प्रोसेस जो है मेंटेन करके रख रहा है, यानी वर्क करना पड़ रहा है डिसऑर्डरनेस को रोकने के लिए। जिस समय ये वर्क, ये वर्क क्या है, ये लाइफ के द्वारा वर्क हो रहा है, लाइफ प्रोसेसेस जो हो रहे हैं वही वर्क है। जिस समय ये वर्क बंद हो गया मेंटेनेंस का, ऑर्डरनेस को मेंटेनेंस करना, उसी समय से उसकी टूट फूट की प्रक्रिया शुरू हो गई उसके। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट आपको एंट्रोपी का, आगे चले। यस सर। एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस इज द मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू द वाटर। आप आइस को रख दें तो अपने आप वाटर में मेल्ट हो जाएगा। दिस हैपेंस स्पॉन्टेनियसली एज सून एज आइस इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। आइस इज अ सॉलिड विथ एन ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एज कंपेयर्ड टू वाटर which is a liquid in which molecules are more disordered and randomly distributed. All natural processes tend to proceed in a direction which leads to a state that has more random distribution of matter and energy. इसीलिए gaseous state में जो particles है, gas के जो particles है, वो कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा randomly हम एक दूसरे से दूर चले जाए, randomly distribute हो गए। क्यों? क्योंकि इनवर्स में एंट्रोपी है। एंट्रोपी जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ द इनवर्स, हमेशा इनवर्स में हर चीज जो है वो एंट्रोपी की ओर ही जाएगा, वो रैंडमनेस की ओर जाएगा। कोई भी अगर अभी वस्तु रखी हुई है ठीक ठाक अवस्था में, धीरे धीरे जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा वो वस्तु टूटना फूटना अपने आप शुरू होगी, सड़ना शुरू होगा, सड़ने लायक नहीं भी रहेगा तो भी उसका डिग्रेडेशन शुरू होगा। तो इसलिए हम लोगों को वर्क करना पड़ता है किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए। अगर इनवर्स में एंट्रोपी ना हो तो मेंटेनेंस का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली, मीनिंग दैट वंस दे स्टार्ट दे विल प्रोसीड टू द एंड। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल इंटरवेंशन यू विल नेवर विटनेस द रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस in which water converts back to ice at a room temperature. In other words, it would be inconceivable that this process could be reversed without tampering with the external conditions. आपको उस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे पानी आइस, आइस जो है पानी में मेल्ट हो गया, फिर से उसको आइस बनाने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसको हम फ्रीज करेंगे तब होगा।
So what determines the direction in which process will go under a given sets of conditions? Now you know the answer. All these processes are driven by entropy. So mathematically इसको हम कैसे denote करते हैं? इसको आप समझ लीजिए. सबसे पहली बात तो क्या है? Entropy change. यहाँ पर thermodynamics में हम सब कुछ change में बात करते हैं, क्योंकि measuring absolute entropy is not possible. Measuring absolute internal energy is not possible. Measuring absolute enthalpy is not possible. So we will always talk about the change. So the delta S of the universe, S corresponds to entropy. So the change in entropy of the universe is equal to the change in entropy of the system plus surrounding. Change in entropy in the system plus change in the entropy of the surrounding. And that will always be greater than zero. So where delta S, as I already told you, net change in the entropy of the universe, delta S system, net change in the entropy of the system. So take home message is for you that entropy of the समझ में आया आपको? कहने का मतलब क्या है? एंट्रोपी चेंज सिस्टम में भी आ रहा है, सराउंडिंग में भी आ रहा है. ओके, एंड द एंट्रोपी चेंज इन द यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग, एंड दैट विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो. हेलो, बोलिए. हाँ, क्या सवाल है? कोई पूछ रहे थे कुछ? नहीं सर, सवाल ही पूछ रहे थे, बोले आवाज आ रही है. ओह अच्छा अच्छा, ठीक है. कभी डिक्रीज नहीं होगा, कभी ठहर नहीं सकता है, यह हमेशा बढ़ते ही जाएगा. यह इस ब्रह्मांड का नियम है. अगर यह नियम नहीं हो, किसी तरह रुक जाएगा, तो ब्रह्मांड भी नहीं बचेगा. ठीक है, सो यू कैन से दैट एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. एंट्रोपी इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड एज क्यू बाय टी, यानी हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड बाय द सिस्टम और सराउंडिंग डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और सराउंडिंग. एंड एंट्रोपी इज एक्सप्रेस्ड इन जूल्स पर केल्विन. क्या फॉर्मूला है? इसी तरह रुक जाएगा. एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. एंट्रोपी इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड एज क्यू बाय टी, यानी हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड बाय द सिस्टम और सराउंडिंग डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और सराउंडिंग्स. क्यू बाय टी. एंड एंट्रोपी इज एक्सप्रेस्ड इन जूल्स पर केल्विन, यानी जूल बटा केल्विन. केल्विन इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है? जीरो डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू